वेलकम बैक टू प्रेप ईजी बायोलॉजी नीट एंड क्लास 11 स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर्स में आपने यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गन्स, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम एंड राइबोसोम फिनिश कर लिया था आपने। आज एक नया टॉपिक आप पढ़ने वाले हैं। टॉपिक क्या है? सीलिया एंड फ्लैजला। सीलिया और फ्लैजला के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपका है वो है साइटोस्केलेटन। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सीलिया और फ्लैजला को। सीलिया और फ्लैजला से रिलेटेड जो है, आपको पहले ये बता दूं कि आप इस टॉपिक का आपको नॉलेज थोड़ा कम होता है क्लास 11th स्टैंडर्ड में, बिकॉज 9th में सीलिया और फ्लैजला को लेकर कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। ठीक है, तो जो आप पढ़ते हैं वो फर्स्ट टाइम आप 11th में ही पढ़ते हैं। ठीक है, और ये टॉपिक थोड़ा सा आपके लिए अनयूजुअल लगता है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड या अदर आप कोई टॉपिक्स पढ़ते हैं यूकैरियोटिक सेल्स पे, तो वो सारे टॉपिक आपके नोन होते हैं। ठीक है, बट सेल का जो सीलिया है या फ्लैजला है, सेंट्रियोल्स है या साइटोस्केलेटन है, ये टॉपिक्स थोड़े से जो है अनयूजुअल होते हैं और इनका इन्फॉर्मेशन आपको कम होता है और इंटरेस्ट भी आपका इनिशियली कम होता है, लेकिन जब आप एक बार इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं तो आपका इंटरेस्ट बढ़ जाता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं सीलिया और फ्लैजला को। और सीलिया और फ्लैजला में जो फर्स्ट लाइन है वो ये है कि सीलिया और फ्लैजला जो है ये क्या है, ये हेयर लाइक आउटग्रोथ है। और ये आउटग्रोथ एक्चुअली में कहां से निकल रहे हैं, ये सेल मेम्ब्रेन से निकलते हैं। ठीक है, जैसे आप कोई अगर डायग्राम बनाते हैं यूकैरियोटिक सेल्स का, तो वहां पे आपको हेयर लाइक आउटग्रोथ दिखते हैं। एक्चुअली ये क्या है, हेयर लाइक आउटग्रोथ है ये। ठीक है, ये क्या है, हेयर लाइक आउटग्रोथ, और वो भी कहां से निकल रहा है, ये सेल मेम्ब्रेन से ही निकल रहा है एक्चुअली में। ठीक है, लेकिन इसकी ओरिजिन जो है वो क्या होता है, वो बेसल बॉडी होता है। बेसल बॉडी एक्चुअली में सीलिया और फ्लैजला के जस्ट नीचे होता है बेसल बॉडी। ये बेसल बॉडी है आपका, और बेसल बॉडी से एराइज होता है सीलिया एंड फ्लैजला एराइज होते हैं। ठीक है, बट जो आउटग्रोथ यहां से निकलता है, ये जो आउटग्रोथ है वो एक्चुअली कहां से निकल रहा है, सेल मेम्ब्रेन से निकल रहा है। आपसे कोई पूछे कि अराइज फ्रॉम, तो आपका आंसर होगा बेसल बॉडी। एंड कोई आपसे ये पूछो कि ये आउटग्रोथ कहां से हो रहा है, तो आउटग्रोथ सेल मेम्ब्रेन से हो रहा है। और ये देखने में कैसा है, इसका स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, देन आपको बताता हूँ कि जो सीलिया होता है, सीलिया का जो है डायमीटर और इसकी लेंथ कम होती है। ठीक है, बट फ्लैजला में जस्ट अपोजिट है। फ्लैजला में क्या है, लेंथ ज्यादा है, डायमीटर ज्यादा है। ठीक है, फ्लैजला के नंबर्स कम होते हैं और सीलिया के नंबर्स ज्यादा होते हैं, तो इसको भी नोट करना होगा। ये स्मॉल होंगे, ठीक है, और न्यूमरस होंगे। न्यूमरस मीन्स कि इनका नंबर ज्यादा होगा। देन डायमीटर इनका क्या होगा, लेस डायमीटर होगा इनका। ठीक है, और अगर आप फ्लैजला की बात करते हो तो फ्लैजला में क्या होता है, ये लार्जर साइज का होता है। ठीक है, लेस इन नंबर आप ले सकते हैं, लेस इन नंबर। ठीक है, और डायमीटर इसका क्या होगा, वाइडर होगा। क्या होगा, वाइडर होगा। ठीक है, ये जो है सीलिया और फ्लैजला का एक बेसिक डिफरेंस है। आपसे इन जनरल कोई भी पूछ सकता है कि सीलिया और फ्लैजला में क्या डिफरेंस है, तो आप बताएंगे कि सीलिया का साइज स्मॉल होगा। ठीक है, उसके नंबर ज्यादा होंगे और उसका डायमीटर क्या होगा, वो कम होगा। बट फ्लैजला के केस में क्या है, अपोजिट है, ये लार्जर होगा। ठीक है, लेस इन नंबर होगा और डायमीटर इसका कंपेरेटिवली वाइडर होगा। ठीक है, तो ये सीलिया और फ्लैजला का एक बेसिक मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बता दिया। देन आप चलते हैं कि सीलिया और जो फ्लैजला है, सीलिया एंड फ्लैजला, ये एक्चुअली में किस टाइप के सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। मेरे क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि ये प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं या नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये भी मैं क्लियर कर देता हूं आपको। आप यहां देखो एक बार, यूकैरियोटिक सेल्स में सीलिया एंड फ्लैजला बोथ आर प्रेजेंट। ठीक है, एंड कंपोज्ड बाय द पर्टिकुलर प्रोटीन दैट इज कॉल्ड माइक्रोट्यूबुल, दैट इज कॉल्ड माइक्रोट्यूबुल्स। मैं रिपीट कर रहा हूं, यूकैरियोट्स के अंदर सीलिया और फ्लैजला दोनों प्रेजेंट है, बोथ आर प्रेजेंट एंड कंपोज्ड बाय द पर्टिकुलर प्रोटीन दैट इज कॉल्ड माइक्रोट्यूबुल्स।
ट्यूबुलिन प्रोटीन, ठीक है, ये लर्न करना होगा। वेयर एज इन यू वेयर एज इन प्रोकैरियोट्स ओनली हैव फ्लैजेला एंड हियर फ्लैजेला कंपोज बाय अ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन दैट इज कॉल्ड फ्लैजेलिन प्रोटीन्स, ठीक है। तो यहां पे जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला है ये किससे कंपोज हो रहा है, फ्लैजेलिन प्रोटीन से कंपोज हो रहा है। और मैंने आपको बताया है जब आपको मैं बैक्टीरिया का लेक्चर दे रहा था तो बैक्टीरिया के लेक्चर में मैंने प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला को डिस्कस किया था, प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला के कंपोजिशंस भी मैंने आपको बताए थे, ठीक है। तो एक बार वो आप लेक्चर एक बार देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं और उससे आप कंपेयर भी कर सकते हैं कि यूकैरियोट का जो कंपोजिशन है वो क्या है, ठीक है। और सीलिया ऑफ फ्लैजेला एक्चुअली में वनली कहां पे मिलेंगे आपको, यूकैरियोट्स में मिलेंगे, वेयर एज इन प्रोकैरियोट्स वनली फ्लैजेला आपको मिलेगा, सीलिया एब्सेंट मिलेगा आपको प्रोकैरियोट्स में, ये नोट करना होगा आपको, ठीक है। आप यहां कर सकते हैं कि सीलिया जो है यहां पे सीलिया एब्सेंट है, सीलिया एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सर, ये चीज नोट करना होगा, ठीक है। अब आते हैं कि ये जो आपका सीलिया ऑफ फ्लैजेला है इसका डिटेल स्ट्रक्चर हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसके डिटेल स्ट्रक्चर के लिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है, ये एक पर्टिकुलर यूकैरियोटिक सेल है और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर आपको ये दिख रहा है, ये क्या आपको दिख रहा है, फ्लैजेला, सपोज दैट दिस इज अ फ्लैजेला, ठीक है। और फ्लैजेला का मैंने क्या किया है यहाँ पे ट्रांसवर्स सेक्शन किया है, एक ट्रांसवर्स सेक्शन मतलब कट किया है और ट्रांसवर्स सेक्शन कट करके ये डायग्राम मैंने यहाँ पे मैग्नीफाई करके बनाया है। इसको ऐसे समझ लो आप, लाइक ये आपका क्या है, ये फ्लैजेला है, ठीक है। और फ्लैजेला को मैंने ऐसे क्या किया है, ट्रांसवर्स सेक्शन कट किया है, ठीक है, ट्रांसवर्स सेक्शन मैंने कट किया है। तो ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है एक्चुअली में ये डायग्राम ये यहाँ का है, ये व्यू है इसका, इसका व्यू जो है फ्रंट है, ठीक है, और ये मैंने बना रखा है डायग्राम को, ठीक है। तो चलिए चलते हैं डायग्राम को डिस्कस करते हैं। डायग्राम में आप सबसे पहले आप डायग्राम को डिस्कस करेंगे कहां से, आउटसाइड से डिस्कस करते हैं इनसाइड की तरफ आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख रहे हो कि जो आउटर मोस्ट जो बाउंड्री इसकी है वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास आपको जो है ये 9 जो है डबलेट्स माइक्रोट्यूबुल्स आपको दिख रहे हैं ये, ठीक है। डबलेट्स इसलिए मैं बोल रहा हूं कि एक सर्कल ये है आपका कंप्लीट सर्कल और ये हाफ सर्कल है, ठीक है। वन और टू ये दो एक साथ प्रेजेंट है, दैट मीन्स कि ये क्या होंगे, डबलेट फॉर्म में होंगे, किस फॉर्म में होंगे, डबलेट फॉर्म में, मैंने यहाँ पे मेंशन किया है डबलेट, ठीक है। डबलेट का सेंस क्या है कि ये फर्स्ट एक यूनिट है और सेकेंड यूनिट यहाँ पे है, ये दोनों क्या है एक्चुअली में माइक्रोट्यूबुल्स से बने होते हैं, किससे बने होते हैं, माइक्रोट्यूबुल्स से। और ऐसे जो है डबलेट्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 टोटल जो है पेरिफेरल रीजन में जो डबलेट माइक्रोट्यूबुल्स हैं वो कितने हैं, 9, ये आपको लर्न करना होगा। यहां पे मैं इसको मेंशन कर दे रहा हूं 9 है ये टोटल, ठीक है। पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुल्स डबलेट्स फॉर्म में कितने हैं, 9 है ये, ठीक है। और ये एक्चुअली कहां पे प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन के जस्ट एडजेसेंट ये प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेंटर वाले पार्ट की, सेंटर वाले पार्ट में आप देख रहे हो ये जो है माइक्रोट्यूबुल्स है, बट यहाँ पे माइक्रोट्यूबुल्स किस फॉर्म में है, सिंगलेट फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, सिंगलेट फॉर्म में है, ठीक है। यहाँ पे दो मैंने जैसे यहाँ पे मैंने बना रखा है दो यूनिट, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे एक यूनिट ये है और दूसरा यूनिट ये है, ये भी सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल्स है और ये भी सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल्स है, ये सिंगलेट फॉर्म में है और ये भी सिंगलेट फॉर्म में है, ठीक है। तो इनको काउंट करेंगे तो ये क्या है, फर्स्ट एक है और एक सेकेंड है आपका, तो ये टोटल कितने हैं, 2 हैं ये, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि माइक्रोट्यूबुल्स के बिहाव पर आप बताएंगे कि फ्लैजेला और सीलिया का जो माइक्रोट्यूबुल्स का अरेंजमेंट है वो कैसा है, 9+2 है, क्या है, 9+2 है, ये आपको लर्न करना होगा, ये कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। मैं एक बार रिपीट करता हूँ सारी चीजों को, ये आपका क्या है, एक ट्रांसवर्स सेक्शन है सीलिया और फ्लैजेला का,
यहाँ मैंने दिखाया कि सिलिया फेरा को आपने कट किया और उसका ट्रांसवर्स सेक्शन बनाया, और ट्रांसवर्स सेक्शन में आपने जब इसका डिटेल दिया तो सबसे पहले आपने बताया कि इसकी बाउंड्री किससे है इनक्लोज, इसकी बाउंड्री इनक्लोज है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट इनर साइड में आपको क्या मिलेगा, आपको 9 जो है पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स डबलेट्स फॉर्म में मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स डबलेट्स फॉर्म में मिलेंगे, एंड 2 जो है आपको क्या मिलने वाला है, 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलने वाला है, ये सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ठीक है। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो पेरिफेरी में प्रेजेंट है टोटल कितने हैं, 9 है, और जो सेंटर में प्रेजेंट है वो कितने हैं, 2 है। तो आप मेंशन कर सकते हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो अरेंजमेंट है सीलिया और फ्लैजला में, यूकेरियोटिक सीलिया एंड फ्लैजला में, वो क्या है, 9+2 है। ये कई बार नीट के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, इसको दिमाग में रखना होगा, ठीक है। अब हम रिमेनिंग पॉइंट्स को एक बार डिस्कस करते हैं। रिमेनिंग पॉइंट्स में आपका क्या है, आप देख रहे हो कि यहाँ पे डबलेट्स के बीच के कनेक्शन का, डबलेट्स के बीच का जो कनेक्शन है वो किसके थ्रू है, इंटर डबलेट्स ब्रिज के थ्रू है, इंटर डबलेट ब्रिज, ये नेम आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो इंटर डबलेट ब्रिज है ये 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स को कनेक्ट कर रहे हैं, कौन से माइक्रोट्यूब्यूल्स को, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स जो डबलेट्स के फॉर्म में है, ठीक है। जब एनसीईआरटी के डिस्कशन में आप पढ़ेंगे तो डिस्कशन में मेंशन है लिंकर, तो आप लिंकर भी इसको मेंशन कर सकते हैं और इंटर डबलेट्स ब्रिज भी आप इसको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आप देखो यहां से जो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स का फर्स्ट कंप्लीट सर्कल है, ये जो भी है यहाँ पे भी फर्स्ट कंप्लीट है, फर्स्ट कंप्लीट सर्कल है ये माइक्रोट्यूब्यूल्स का है, तो फर्स्ट वाले से अराइज हो रहा है कुछ आर्म्स अराइज हो रहे हैं, ये क्या है आर्म, ठीक है, ये क्या है एक्चुअली में आर्म है और इसके बारे में ज्यादा आपको नहीं जानना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस आर्म, इस माइक्रोट्यूब्यूल से, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इस माइक्रोट्यूब्यूल से कुछ जो है रेडियल जो है स्पोक अराइज हो रहे हैं, रेडियल स्पोक, ठीक है, मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है, आप देखिए यहाँ पे रेडियल स्पोक, ये जो ब्लू लाइंस आपको दिख रहे हैं ये क्या है, रेडियल स्पोक है ये, ठीक है, रेडियल स्पोक, ठीक है। और ये अराइज कहाँ से हो रहे हैं, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स से, और पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स में जो कंप्लीट सर्कल वाला है वहां से अराइज हो रहा है और टूवर्ड द सेंटर की तरफ जा रहा है, आप देखो ये सेंटर की तरफ मूव कर रहा है ये अराइज होके, और सेंटर की तरफ ये कहां जा रहा है, एक्चुअली में जाएगा सेंट्रल सीथ की तरफ, ये क्या है आपका सेंट्रल सीथ है, ये सेंट्रल सीथ की तरफ ये मूव करेगा, रेडियल स्पोक ग्रेजुअली फॉर्म होगा और वो कहां जाएगा टुवर्ड द सेंट्रल शीथ, ठीक है। ये मैंने पेरिफेरल प्रोटीन से रिलेटेड जो है, ये मैंने पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल से रिलेटेड मैंने सारी इंफॉर्मेशन दे दी। अब आते हैं सेंट्रल पार्ट पे, सेंटर जो पार्ट है यहाँ पे वो क्या है आपका सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स, और ये भी क्या है, ये भी कनेक्टेड है एक ब्रिज से, ठीक है, ये भी किससे कनेक्टेड है, एक पर्टिकुलर ब्रिज से ये कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर में एक फाइनल जो चीज है वो ये है कि जो भी आपका मेम्ब्रेन से इंक्लोज पार्ट है पेरिफेरल और सेंटर, इसको एक साथ हम क्या बोलते हैं कोर, ठीक है, कोर रीजन बोलते हैं, और कोर को एनसीईआरटी ने एक नया नाम दिया है एक्सोनीमी, ठीक है, क्या दिया है एक्सोनीमी। एक्सोनीमी में एक्चुअली क्या आता है, ये पूरा का पूरा आपका पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स आ जाता है और सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स भी आ जाता है, उसी को हम एक साथ क्या बोलते हैं एक्सोनीमा बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको सीलिया ऑफ फ्लैजला में एक्सोनीमा मिलेगा, ध्यान देना होगा, इसमें पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स भी आएगा, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स के आर्म्स भी आएंगे, इंटरलिंक जो है वो भी आएंगे, सेंट्रल सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स भी आएगा, ये सारी चीजें एक्सोनीमा में आएगा और ये आपको मिलेगा, एक्सोनीमा से रिलेटेड आपके एमसीक्यू या वेरी शॉर्ट में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें बहुत सारे नए नए इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए टफ होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक आपने थोड़ा कंपेरेटिवली कम पढ़ते हैं अदर टॉपिक से। आप सीलिया एंड फ्लैजला के डिटेल स्ट्रक्चर के बाद अब स्टार्ट करने जा रहे हैं फंक्शन सीलिया और फ्लैजला का। सीलिया और फ्लैजला के फंक्शन में फर्स्ट जो फंक्शन है वो ये है कि ये लोकोमोटरी आर्गन की तरह एक्ट कर देंगे, ठीक है। लोकोमोटरी आर्गन कहाँ पे एक्ट करने वाले हैं, ये
सर्टन सेल्स में एक्ट करेंगे लाइक स्पर्मेटोजोआ एंड सम प्रोटोजोआंस। यहाँ आप देखो स्पर्मेटोजोआ और प्रोटोजोआंस मैंने मेंशन किया है, यहाँ पे ये लोकोमोटरी आर्गन की तरह एक्ट करेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट फंक्शन है सीलिया एंड फ्लेजला आल्सो हेल्प इन कैप्चरिंग ऑफ फूड इन मेनी प्रोटोजोआंस। एक्चुअली जब आपको प्रोटिस्टा किंगडम आप पढ़ेंगे तो प्रोटिस्टा किंगडम में आपको प्रोटोजोआंस के बारे में मिलेगा, और प्रोटोजोआंस का जब आप फूड पैटर्न को देखेंगे, उनके फूड कैप्चरिंग को देखेंगे, तो आपको मिलेगा कि सीलिया और फ्लेजला का वहां पे रोल है। स्पेशल पैरामिसियम में या आप यूब्लिना में देखेंगे तो आपको सीलिया और फ्लेजला मिलेंगे, और वहां पे जो है फूड कैप्चरिंग में ये वर्क करने वाले हैं, ठीक है। मोस्टली स्टूडेंट्स ये जानते हैं कि सीलिया और फ्लेजला जो है उसका रिलेशन लोकोमोशन से है या मूवमेंट से है, तो ऐसा नहीं है, इसके अदर भी फंक्शन है जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। जैसे कि मैंने बताया कि ये फूड कैप्चरिंग में प्रोटोजोन्स में वर्क करेंगे। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है आपका द सीलिया ऑफ यूरिनरी एंड जनरेटर ट्रैक ड्राइव आउट यूरिन एंड गैमेट्स। आपको पता है कि यूरिनरी ट्रैक से यूरिन डिस्चार्ज होता है और जनरेटर ट्रैक से गैमेट्स डिस्चार्ज होते हैं, तो उस गैमेट्स और यूरिन को बाहर निकालने के लिए, ड्राइव आउट करने के लिए एक्चुअली हेल्प कौन करेगा? सीलिया हेल्प करेगा, ठीक है। सीलिया का फंक्शन है वहां पे, वहां पे प्लेजला मैंने मेंशन नहीं किया है, ओनली सीलिया मेंशन किया है। देन आप जब इम्यून सिस्टम पढ़ेंगे, इम्यून सिस्टम क्लास 12 में मिलेगा, क्लास 12 में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में एक पर्टिकुलर हेडिंग है इम्यून सिस्टम, ठीक है, इम्यूनिटी। वहां पे आपका इननेट इम्यूनिटी जब आप डिटेल पढ़ेंगे, इननेट इम्यूनिटी में आपको सीलिया वहां पे मिलेगा कि ये डिफेंस का पार्ट है ये, ठीक है, ये डिफेंस का पार्ट है। और कैसे ये डिफेंस का पार्ट होगा? जब भी डस्ट पार्टिकल्स या कोई भी अनवांटेड पार्टिकल्स हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में मूव करेगा, ठीक है, एंटर करेगा, देन उस टाइम पे क्या होगा, सीलिया जो है रिमूव करेंगे डस्ट पार्टिकल्स को, सीलिया रिमूव करने वाले हैं डस्ट पार्टिकल्स को, ठीक है। एंड समटाइम्स सीलिया जो है ये सेंसरी ऑर्गनल्स की तरह वर्क करेगा, ठीक है, आपको एग्जाम्पल्स मिलने वाले हैं आपके जो फिजियोलॉजी के चैप्टर्स हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी के, वहां पे आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे। अभी फिलहाल आप एज इट इज आप लर्न कर लीजिए सीलिया एंड फ्लेजला के फंक्शंस को। देन आफ्टर हम स्टार्ट करेंगे साइटोस्केलेटन, और ये भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सीलिया एंड फ्लेजला के बाद आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? साइटोस्केलेटन, ठीक है। साइटोस्केलेटन मीन्स की सेल का स्केलेटन, आप ऐसे नॉर्मली समझ सकते हैं, ठीक है। और इस साइटोस्केलेटन को आप कंपेयर कर सकते हैं स्केलेटन से, ठीक है। स्केलेटन और साइटोस्केलेटन में अगर आप सिमिलरिटी सर्च करेंगे तो आपको एक ही सिमिलरिटी मिलेगा, वो क्या है कि दोनों जो है शेप से रिलेटेड है, शेप को मेंटेन करते हैं, जैसे बॉडी के शेप को मेंटेन करता है स्केलेटन और सेल के शेप को मेंटेन करता है साइटोस्केलेटन। ये सिमिलर फंक्शन है दोनों का, ठीक है। बट अदर बेसिस पे आप जब कंपेयर करेंगे, अदर क्राइटेरिया पे कंपेयर करेंगे स्केलेटन और साइटोस्केलेटन को, तो वो डिफरेंट होंगे एक दूसरे से, ठीक है। जैसे मैं बता रहा हूं कि जो हमारा स्केलेटन है ये फोल्ड नहीं हो सकता है परमानेंट, ठीक है, मतलब ये डिसेंबल होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। जो भी हमारे ये फिंगर में बोन्स है या हमारे फोरलिम्स में जो बोन्स है, ये कभी भी डिसेंबल नहीं हो सकते हैं। बट साइटोस्केलेटन जो होता है वो डिसेंबल भी हो सकता है और असेंबल भी हो सकता है। मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि स्पेशल फीचर ऑफ साइटोस्केलेटन वो क्या है, डिसेंबल और असेंबल होगा, ठीक है। ये एक एबिलिटी है और ये एबिलिटी ओनली साइटोस्केलेटन में है, स्केलेटन में ये एबिलिटी नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो आपका साइटोस्केलेटन है इसका नीड बॉडी में क्यों है। तो नीड के लिए सबसे पहले आपको फंक्शन को ध्यान देना होगा। फंक्शन में जो फर्स्ट फंक्शन मैंने आपको अभी जस्ट बताया, मेंटेन द शेप ऑफ सेल्स, ठीक है, सेल के शेप को मेंटेन करने वाला जो कंपोनेंट है वो क्या है, साइटोस्केलेटन है। बट ये इसके अलावा अदर भी होते हैं जो सेल को शेप को मेंटेन करते हैं, ठीक है, वो आप शायद नहीं जानते हो अब तक, मैं बता रहा हूं। आपने पढ़ा है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, क्या पढ़ा आपने, एंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम आपने पढ़ा है, ठीक है,
ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, शेप के लिए, ठीक है। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर शेप ऑफ सेल्स, ठीक है। तो आपको ये पता चला कि ये सेल के शेप को मेंटेन करता है साइटोस्केलेटन, और इसके साथ साथ जो है एक अदर कंपोनेंट्स है वो क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो भी शेप के शेल को मेंटेन करता है। इसके साथ साथ बहुत सारी एक्टिविटीज साइटोस्केलेटन परफॉर्म करता है। एनसीईआरटी जब आप देखेंगे तो एनसीईआरटी में आपको कुछ फंक्शन मेंशन है, लाइक आपका मैकेनिकल सपोर्ट एक फंक्शन है एनसीईआरटी में, मोटेलिटी एक फंक्शन है, और मेंटेनेंस ऑफ सेल्स फंक्शन है, ठीक है। ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, बट आप अगर डिटेल स्टडी करेंगे, डिटेल मीन्स कि आप जब, बट डिटेल स्टडी के लिए सबसे पहले करना क्या होगा, हमको साइटोस्केलेटन को क्लासिफाई करना होगा, ठीक है। यहाँ आप देखिए मैंने टाइप ऑफ साइटोस्केलेटन यहाँ मेंशन किया है। टाइप ऑफ साइटोस्केलेटन में आप देख रहे हो मैंने ये तीन जो है टाइप यहाँ मेंशन किए हैं, थ्री टाइप्स। फर्स्ट टाइप जो है वो है माइक्रोट्यूब्यूल्स, सेकंड जो टाइप है वो क्या है माइक्रो फिलामेंट, थर्ड जो टाइप है वो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है। दीज आर द टाइप ऑफ साइटोस्केलेटन, ठीक है। पर्टिकुलर आप जो भी ये साइटोस्केलेटन है इसकी स्टडी करेंगे तो कुछ साइटोस्केलेटन के फंक्शन सिमिलर होंगे, जैसे इन दोनों के फंक्शन सिमिलर हो सकते हैं, कुछ सर्टन फंक्शन, ठीक है, बट मोस्टली फंक्शन क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक है। ऐसा इसमें भी है, ठीक है। तो डिटेल जो है करने के लिए हमको क्या करना होगा, हमको इंडिविजुअल टॉपिक डिस्कस करना होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, टाइप ऑफ साइटोस्केलेटन में जो फर्स्ट टॉपिक है आपका वो माइक्रोट्यूबल से, उसको पहले डिस्कस करते हैं। साइटोस्केलेटन में अब हम इंडिविजुअल साइटोस्केलेटन का डिटेल बताने वाले हैं। हम डिटेल में क्या क्या बताएंगे आपको, लोकेशन, स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस को डिस्कस करने वाले हैं। आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे टेबल बने हुए हैं, ठीक है, और टेबल पे मैंने इंडिविजुअल साइटोस्केलेटन का हेडिंग डाल रखा है। लाइक आप देखो यहाँ पे फर्स्ट जो हेडिंग है वो क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, क्या है माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये फर्स्ट साइटोस्केलेटन है। सेकेंड जो है वो क्या है, माइक्रोफिलामेंट है। थर्ड जो है आपका साइटोस्केलेटन वो क्या है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो ये आपके क्या है, साइटोस्केलेटन के टाइप्स हैं, और ये सारे के सारे साइटोस्केलेटन एक्चुअली में किससे बने हुए हैं, ये प्रोटीन से बने हैं, ठीक है ना। ये चीज ध्यान में होना चाहिए कि जो आपका साइटोस्केलेटन है वो एक्चुअली क्या है, वो प्रोटीन है, वो ठीक है, प्रोटीन के यूनिट से बने हुए हैं वो, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, डिटेल करते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे माइक्रोट्यूबल्स को, ठीक है। माइक्रोट्यूबल्स एक्चुअली में कहां पे प्रेजेंट है, ऑल यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट है, ठीक है। और सेल्स के अंदर पर्टिकुलर अगर पार्ट्स की बात करें, सेल्स के बहुत सारे पार्ट्स है ना, आपको पता है कि बहुत सारे पार्ट्स हैं। उस पार्ट्स की अगर बात करें तो सीलिया एंड फ्लैजेला में प्रेजेंट मिलेगा आपको, सेंट्रियोल्स में मिलेगा, वेसल बॉडीज में मिलेगा, माइटोटिक एपरेटस में मिलेगा, देन स्पर्म टेल में मिलेगा, और प्रोसेसेस ऑफ नर्व सेल्स में मिलेगा, ठीक है। अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया सीलिया और फ्लैजेला, और सीलिया और फ्लैजेला में आपने देखा होगा कि मैंने पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स जैसे टर्म यूज किए, ठीक है। तो वो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो टर्म यूज किया सीलिया और फ्लैजेला में, वो एक्चुअली क्या है, वो प्रोटीन है, पहली बात। दूसरी चीज वो क्या है, साइटोस्केलेटन है, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है वही वो माइक्रोट्यूब्यूल्स है, जो सीलिया और फ्लैजेला में आपने डायग्राम में आपने बनाया था ना अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, तो उस डायग्राम में मैंने बताया कि पेरिफेरल साइड में 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स डबलेट फॉर्म में है, और सेंटर में 2 सिंगलेट फॉर्म में माइक्रोट्यूब्यूल्स है। तो वही ये माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ठीक है ना, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज की आप ये माइटोटिक अपरेटस जो टर्म देख रहे हैं, ये माइटोटिक अपरेटस जब आप सेल डिवीजन चैप्टर चलेगा आपका तो वहां पे आपको मिलेगा। सेल जब डिवाइड होते हैं तो वहां पे स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। उसमें बहुत सारे फाइबर्स डिफरेंट टाइप के होते हैं, वो मिलके क्या बनाते हैं, एक माइटोटिक अपरेटस बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको वर्ड्स को लर्न कर लेना है, और मैं आने वाले चैप्टर्स में मैं ये सारे टर्म वन बाय वन में क्लियर करते चलूंगा, ठीक है। क्योंकि माइटोटिक अपरेटस आपका सेल डिवीजन का टॉपिक है, अभी आप सिंपली ये समझ सकते हैं कि सेल जब डिवाइड होते हैं तो डिवाइड होते समय कुछ फाइबर्स बनते हैं, उन फाइबर्स का ग्रुप होता है माइटोटिक अपरेटस, ठीक है। सिंपली यही जानना है आपको फिलहाल। स्पर्म का आपको आइडिया है अच्छे से, स्पर्म टेल,
देन आपका है प्रोसेसेस ऑफ नर्व सेल्स, ठीक है। प्रोसेसेस ऑफ नर्व सेल्स में भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपने क्लास नाइन्थ में या जूनियर सेक्शन में आपने न्यूरॉन्स का डायग्राम बनाया होगा और न्यूरॉन्स के डायग्राम में आपने दो टर्म पढ़े होंगे, एक्सॉन्स और डेंड्रॉन्स, ठीक है। एक्सॉन्स और डेंड्रॉन्स आपने दो टर्म पढ़े होंगे, नहीं पढ़ा है तो सिंपली आप अपनी 11th की एनसीईआरटी ओपन करिएगा, उसमें नर्वस सिस्टम आपका एक चैप्टर है, ठीक है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसमें न्यूरॉन का डायग्राम देखेंगे तो न्यूरॉन के डायग्राम में आपको ये दो नेम मिलेंगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक मिलेगा आपको एक्सॉन मिलेगा आपको और दूसरा मिलेगा आपको डेंड्रॉन, ये दो टर्म आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है प्रोसेसेस एक्चुअली में। These are the type of processes which found in nerve cells, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको लोकेशन में ऑलमोस्ट क्लियर कर दी है, आपको सीलिया ऑफ लेजा का आइडिया हो गया, सेंट्रियोल्स जो है एनिमल सेल्स में होते हैं, ठीक है, सेंट्रियोल्स को भी आगे बताने वाला हूं मैं, वेसल बॉडीज और सेंट्रियोल्स को एक साथ ही मैं बताऊंगा आपको, माइटोटिक अपरेटस सेल डिविजन में मिलेगा आपको, स्पर्म का जो लास्ट पार्ट होता है स्पर्म टेल बोलते हैं उसको, ठीक है, और मैंने अभी जस्ट बताया कि नर्व सेल्स के अंदर प्रोसेसेस हैं लाइक एक्सॉन्स और डेंड्रॉन्स, ठीक है। तो ये आपके लोकेशंस होंगे, आपको टेंशन होने की जरूरत नहीं है, जब भी कोई डाउट हो अगर कोई ऐसे एक दो टर्म आपको परेशान करे तो आप जरूर डाउट पूछे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, ठीक है। अब आते हैं स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्ट्रक्चर में आपको बता दूं कि माइक्रोट्यूबल्स जो होते हैं हालो होते हैं, अनब्रांच होते हैं और सिलिंड्रिकल होते हैं, ठीक है, सिलिंड्रिकल इनका स्ट्रक्चर होगा, सिलेंडर में आप समझते हैं ना, ऐसे कुछ इसका स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, बीच में ये हालो होगा, ठीक है। अब आते हैं फंक्शंस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपको बता दूं कि मेंटेनेंस ऑफ द शेप्स ऑफ सेल्स, ठीक है, मतलब कि सेल के शेप को मेंटेन करने की अगर बात आएगी तो वहां पे माइक्रोट्यूबुल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स तीनों इन्वॉल्व होंगे। जब आप फर्स्ट फंक्शन देखेंगे तो फर्स्ट फंक्शन में आपको सपोर्ट और मेंटेनेंस टर्म आपको मिलेंगे, सपोर्ट मेंटेनेंस, ठीक है, तो यहाँ परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको, मेंटेनेंस तो हर जगह मिलेगा। देन नेक्स्ट जो होगा आपका होगा मूवमेंट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला आपको मिलेगा, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक अपरेटस जो मैंने अभी जस्ट बताया कि सेल डिविजन में आपको मिलेगा, कॉम्पोनेंट्स ऑफ द सेंट्रियोल्स एंड वेसल बॉडीज, सेंट्रियोल्स और वेसल बॉडीज इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सेल्स which is composed by microtubules and microtubules is a type of cytoskeleton, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करता रहा हूँ, centrioles and basal bodies both are the component of cells which is composed by microtubules and microtubules is a protein and is a type of cytoskeleton, जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हो, ठीक है। Then after next function है intracellular transport, ठीक है, सेल्स के अंदर आपको मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताया कि सेल के अंदर अगर कोई भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है, इनसाइड द सेल अगर कोई भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो वो एक्चुअली क्या होता है, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट होता है, और सेल के बाहर अगर कुछ ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो वो होता है इंटरसेलुलर, क्या होता है, इंटरसेलुलर, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट आपका साइटोस्केलेटन, नेक्स्ट साइटोस्केलेटन क्या है, माइक्रोफिलामेंट्स है, इसकी लोकेशंस ऑलमोस्ट ऑल यूकैरियोटिक सेल्स मेंशन किया है, ठीक है, और आपको बता दूं यहाँ पे ऑल यूकैरियोटिक सेल्स में दो पार्ट मैंने कर दिए हैं, एक है नॉन मसल सेल्स और एक है मसल सेल्स, ठीक है। ऐसा इसलिए मैंने मेंशन किया है क्योंकि नॉन मसल सेल्स में इसको माइक्रोफिलामेंट्स बोलते हैं, ठीक है, बट मसल सेल्स के अंदर इसको मायोफिलामेंट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मायोफिलामेंट बोलते हैं, ध्यान से आप इसको नोट करेगा सेपरेट, मसल सेल्स के अंदर माइक्रोफिलामेंट्स का नेम चेंज हो जाता है, नेम क्या हो जाता है एक्चुअली में, मायोफिलामेंट्स, बट नॉन मसल सेल्स के अंदर उसका नेम क्या होता है, माइक्रोफिलामेंट्स, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए, एज इट इज आपको लर्न करना है इसको। फिर आते हैं स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्ट्रक्चर इसका सॉलिड होता है, अनब्रांच होता है, ओके, रॉड लाइक फाइबर्स होते हैं ये, इतना ही आपको लर्न करना है स्ट्रक्चर में। फिर आते हैं फंक्शन, फंक्शन की बात करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन है टू सपोर्ट द रिलेटिव फ्लूइड ऑफ द सेल्स, फ्लूइड मतलब साइटोसोल की बात कर रहा है, तो ओवरऑल आप बोल सकते हैं कि ये भी सेल के शेप को मेंटेन कर रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे ये बताया कि जो साइटोसोल है और साइटोसोल्स की जो है सपोर्ट कर रहा है ये, तो साइटोसोल्स सेल के शेप को भी मेंटेन करेगा, ठीक है ना, तो इनडायरेक्टली आप बोल सकते हैं कि ये भी क्या करेगा, सेल के शेप को मेंटेन कर रहेगा, ठीक है। देन आफ्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो क्या है, स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स,
ठीक है, स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स क्या होता है? मैंने आपको बताया कि स्ट्रीमिंग मूवमेंट एक इम्पॉर्टेंट है, और ये आपको कहाँ पे मिलेगा? जब आप ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, ये चैप्टर है प्लांट फिजियोलॉजी का, और वहां पे आप हाइड्रिला के एग्जांपल में आपको स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स मिलने वाले हैं, ठीक है, स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स, ठीक है। स्ट्रीमिंग मूवमेंट से होगा क्या कि जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो अपनी पोजीशंस को चेंज कर देते हैं, ठीक है। सेल ऑर्गेनल्स, अगर सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल्स हैं तो उनकी पोजीशन जो है वो चेंज करने के लिए ये मूवमेंट पर्टिकुलर होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है क्या, क्लीवेज। नेक्स्ट क्या है, फंक्शन क्लीवेज। तो आपको बता दूं कि जब आप सेल डिविजन पढ़ेंगे, और स्पेशली आप जब एनिमल सेल डिविजन पढ़ेंगे, तो एनिमल सेल डिवीजन में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, ठीक है, उस टाइम पे, उस पर्टिकुलर टाइम पे क्लीवेज होता है सेल्स का, और एक पेरेंटल सेल से टू डॉटर सेल्स फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। मैं एक बार डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज दैट ये एक सेल है, ठीक है, और ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और यहाँ पे सेल डिवीजन स्टार्ट हुआ। तो पहले डिवीजन किसका होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। फर्स्ट डिवाइड करेगा न्यूक्लियस, देन आफ्टर डिवाइड करेगा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म ये है आपका, ये डिवाइड करेगा। तो जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है तो फाइनली क्या होता है कि टू डॉटर सेल्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं, टू डॉटर सेल्स, ठीक है। तो डिवीजन के टाइम पे, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन के टाइम पे एनिमल सेल्स के अंदर क्या होता है, क्लीवेज होता है, और क्लीवेज साइटोप्लाज्म की डिवीजन को हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मायोफिलामेंट। मैंने आपको बताया कि मायोफिलामेंट्स टर्म किस कहां पे यूज करना है, मसल्स के लिए, और मसल्स में क्या होता है, मसल कॉन्ट्रेक्शन होता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, मसल सेल्स के अंदर माइक्रोफिलामेंट्स को क्या बोलते हैं, मायोफिलामेंट्स, ठीक है, और मायोफिलामेंट्स के हेल्प से क्या होता है, मसल्स के अंदर कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन होता है, कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे कि कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मायोफिलामेंट्स जो है वो एक फंक्शन होगा मायोफिलामेंट का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लोकोमोशन। आपको पता है कि अमीबा जो है मूवमेंट करते हैं, ग्लाइंडिंग मूवमेंट्स इनका एक पर्टिकुलर मूवमेंट्स होता है, उस मूवमेंट में भी ये माइक्रोफिलामेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। इसके साथ साथ नेक्स्ट है मूवमेंट्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, मूवमेंट्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान देना आप। जब भी कोई सेल जो है के अंदर कोई भी मटेरियल इंटर करता है तो वहां पर हेल्प कौन करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प करेगा, ठीक है, और देन कुछ टाइम के बाद सेल के अंदर वो मटेरियल आ जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। जब भी कोई सॉलिड या फूड मटेरियल्स सेल्स के अंदर इंटर करेगा तो वहां पे इंटर करने के लिए जो हेल्प करेगा वो क्या करेगा, सेल मेम्ब्रेन, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन को हेल्प करेगा, और उस हेल्प, उस एंट्री को, उस प्रोसीजर को क्या बोलेंगे हम, एंडोसाइटोसिस बोलेंगे, ठीक है। और इसका अपोजिट भी है कि कोई भी पार्टिकल्स, हार्मफुल पार्टिकल्स या अनवांटेड पार्टिकल्स सेल्स के अंदर है, उनको अगर बाहर निकलना है, या सर्टन कुछ सिक्रेटरी मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ प्रोटीन्स या लिपिड्स हैं जो अदर सेल्स में ट्रांसपोर्ट होने हैं, उनको भी बाहर जाना होता है, तो वो कैसे जाएंगे बाहर, एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। दैट मीन्स कि अनवांटेड एंड वांटेड बोथ आर ट्रांसपोर्ट आउटसाइड द सेल्स बाय द एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस, ठीक है। ये आपका मैंने माइक्रोफिलामेंट्स को डिफाइन कर दिया। अब आते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स में। तो सबसे पहले लोकेशन लर्न करना है, ऑल यूकैरियोटिक सेल्स, देन स्ट्रक्चर पे आएंगे। स्ट्रक्चर में क्या, सॉलिड अनब्रांच कंपोज बाय नॉन मोटाइल स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। नॉन मोटाइल मतलब कि ये मूवमेंट्स में नहीं हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। इसका भी जो फर्स्ट फंक्शन है वो क्या है, सपोर्ट करना साइटोसॉल को या शेप को मेंटेन करना, जो सेल का शेप है उसको मेंटेन करेगा, साइटोसॉल को सपोर्ट करेगा, ये तो हर जगह कॉमन है ऑलमोस्ट, ठीक है। देन नेक्स्ट आपका है स्टेबलाइज द इपिथेलियल सेल्स। एक्चुअली जो है जब इपिथेलियल सेल्स दो जो है एक साथ कनेक्ट होते हैं, ठीक है, तो वहां पे स्टेबलाइज करने का काम कौन करता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स करते हैं, ठीक है। आप जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपको डेस्मोसोम्स, स्पॉट डेस्मोसोम्स, एक इंटरसेलुलर जंक्शंस मिलेगा, ठीक है, वो जंक्शन जो है दो सेल्स को एक साथ यूनाइट करते हैं, ठीक है। जैसे ये आपका जंक्शन है और ये दोनों क्या करते हैं, ये जंक्शन जो है दोनों सेल्स को क्या करते हैं, ये कनेक्ट करने का काम करते हैं, उनको दोनों सेल्स को स्टेबलाइज करते हैं एक पर्टिकुलर प्लेस पे। ये नेक्स्ट फंक्शन हो गया। अब आते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो है मेजर स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स लाइक स्किन, हेयर, ठीक है, इसके भी फॉर्मेशन के लिए हेल्प करे, फॉर्म मेजर स्ट्रक्चरल प्रोटीन ऑफ स्किन एंड हेयर, ठीक है। देन आफ्टर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस एक ये भी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है आपका, फंक्शन है कि सेल के अंदर न्यूक्लियस की एक पोजीशन होती है, समटाइम्स न्यूक्लियस सिचुएटेड इन द सेंटर पोजीशन एंड समटाइम्स सिचुएटेड एट द पेरिफेरल पोजीशन, ठीक है। सो दैट आप ये समझ रहे हैं कि न्यूक्लियस की पोजीशन वेरिएबल है सेल टू सेल, और ये जो वेरिएबिलिटी है ये किस पे डिपेंड करती है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स पे। इसका मतलब कि न्यूक्लियस का या अदर सेल ऑर्गन्स की पोजीशन जो डिसाइड करने वाला है वो क्या है, इंटरमीडिएट फिलामेंट डिसाइड करने वाला है, ठीक है। एंड लास्ट आपका क्या है, प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द एक्सॉन्स, एक्सॉन इज अ पार्ट ऑफ न्यूरॉन, मैंने अभी जस्ट बताया कि एक्सॉन किसका पार्ट है, न्यूरॉन का पार्ट है, ठीक है, और उसकी स्ट्रेंथ को कौन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ठीक है। तो ये आपका जो है साइटोस्केलेटन का मैंने डिटेल कर दिया, उसके टाइप्स के बारे में बता दिया, उसके फंक्शन मैंने डिटेल कर दिए, ये आपका सफिशियंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। देन आपका जो भी बोर्ड एग्जामिनेशन है, आपका एकेडमिक एग्जामिनेशन है, वहां पे ये काम आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए फिनिश करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आपका है न्यूक्लियस, सेंट्रियोल, बेसल बॉडीज एक्सेट्रा, वो आगे के लेक्चर्स में आपको मिलेंगे, ओके।